हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में ये जो तीनों नए कानून है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और साथ ही साथ में बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों टॉपिक पर आज आपके बीच में मैं खुल के बातचीत करने वाला हूं। बी रेडी फॉर दैट, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस हियर। हालांकि ये अपने आप में एक, आप समझ लीजिए कि एक प्राइमा फेसाई वीडियो रहेगा। प्राइमा फेसाई वीडियो का मतलब ये, क्योंकि किसी भी कानून को, और वो कानून जब बहुत अपने आप में वाइड हो तो उसको हम इतने शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये जो बीएसए 2023 इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद, इसे मैंने सारे कंप्लीटली जो नए कानून का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन है या फिर जो आपके समरी है या फिर जो आपका मेन बिल का जो कंटेक्ट है वो सारा इसमें ऑब्जर्व करा रखा है। नंबर वन बीएसएस, नंबर टू बीएनएसएस और साथ ही साथ में नंबर थ्री पर है बीएनएस 2023। मैंने यहाँ पे दोनों को कंपेरेटिव स्टडी भी किया है। आपको पता है दो कॉन्सेप्ट, एक बीएनएसएस और एक बीएनएसएस 2, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये क्या फंडा है भाई। तो पहले क्या था कि पहले ये आता हमारे पास में, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये है हमारे पास बीएनएस, ठीक है, ये बीएनएसएस है और आज तारीख है 22 दिसंबर। ऑब्वियसली बात है इसके लिंकिंग वेरिएंट तो आपके बीच में 100% जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये है मेरे पास में उसके पुराने कानून, पुराने कानून बोले तो इंडियन एविडेंस एक्ट, साथ ही साथ में यहाँ पे आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, साथ ही साथ में यहाँ पर आपके इंडियन पिनल कोड। तो ये पुराने कानून है, उसके बाद मेरे पास बीएनएसएस है और फिर फाइनली व्हाट आई हैव इज दिस वन। ये है फाइनल कंटेक्स्ट जिस पे सारी एफर्ट जो है किया गया। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को मतलब आप समझ लीजिए कि लास्ट 6 to 7 hours का जो पूरा एफर्ट लगा है उसका एक सब्सटेंस कह दीजिए आपके सामने होगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे आप जो है लर्नेड मजिस्ट्रेट ही क्यों ना है, या फिर और भी कोई पर्सन जो कहेंगे जो है लॉ के अंदर दिलचस्पी रखता है उसके लिए बड़ा यूजफुल है जो रहेगा। सबसे पहले एक गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। अब क्या है कि आसपास के ऐसे कुछ वीडियो वायरल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ वीडियो वायरल हुआ तो कुछ तो सच्चाई होगी। अब कई बार क्या होता है, लोग जो है बिना कुछ प्रॉपर तरीके से स्टडी किए, रिसर्च किए, कह देते हैं कि कुछ नहीं किया गया है, ये सरकार तो सिर्फ नाम बदल रही है। देखो भाई, ऐसा है कि लेजिस्लेचर के आगे तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलती, हम लोग तो ठहरे भोले मानुष। तो ऐसा है कि जब कोई चीज आ रही है, कोई कानून बन गया है, तो हमको उसको अडॉप्टिव होके अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो अपने डिसीजन से हम लोग पलटी नहीं खा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि सिर्फ नाम वाम चेंज हुए हैं और कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। एक एग्जांपल फटाफट सुन लीजिए। अगर मान लीजिए आपका कोई घर है किसी शहर किसी गांव के अंदर, और उस घर के अंदर बार बार आपको मरम्मत करानी पड़ रही है, कभी कोई इस दीवार के ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया, कभी पानी का लीकेज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी कोई समस्या आ रही है, कभी लगता है कि यार ये छत के ऊपर दरारें कैसे आएगी, इसको ठीक कराया जाए। तो बार बार मरम्मत कराते कराते एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है कि यार अब इतनी सारी अगर कुछ मरम्मत करानी पड़ जाए तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि इस घर को डिसमेंटल करके एक नया घर बना लिया जाए। और शायद कहीं कहीं ये मंशा रही होगी। इस वीडियो का एक भी एंगल अगर राजनीतिक हुआ तो ध्यान रखना विषम वाला एंगल जो है आपके बीच में प्रकट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बात करें और आपको ये एंगल याद रखना है, समझना है, फॉलो करना है। अब देखो ऐसा है जी, लेट मी क्लियर वन बाय वन। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आपको शायद यकीन नहीं लगे, इस बात का आपको ऑब्जर्वेशन हो। मेरे हाथ में है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेजिस्लेटिव ब्रीफ अबाउट द भारतीय न्याय संहिता सेकंड। देखो बीएनएस सेकंड क्या है कि पहले अगस्त महीने में, अगस्त 2023 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुए तीनों क्रिमिनल बिल, उनको हमने नाम दिया था बीएनएस, बीएनएसएस और साथ साथ में बीएसबी। बीएसबी का मतलब भारतीय साक्ष्य बिल, और बिल जब कानून बन जाता है तो उसको एक्ट यानी कि अधिनियम है जो कहते हैं। तो बीएसबी आगे जाके बीएसए कहलाएगा, बराबर। तो क्या हुआ था, उस समय जब बिल पेश किए तो स्टैंडिंग कमेटी को वो बिल जो है भेजे गए थे, और स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन वगैरह दी, और रिकमेंडेशन के बाद में पुराने बिल को विड्रॉ किया गया और वापस न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब ये बिल दो बार इंट्रोड्यूस हुए, अगस्त में भी इंट्रोड्यूस हुए जो वापस विड्रॉ हो गए, और फिर वापस सेकंड टाइम दिसंबर में और इंट्रोड्यूस हुए। तो जो दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुए हैं वही फाइनल टेक्स्ट है बिल का, और आपके और मेरे लिए वही काम आएगा, और इसको उन्होंने बीएनएसएस 2 नाम दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि अगस्त में क्या था और अभी क्या था।
हालांकि आपके मार्केट में जब बेयर एक्ट आएंगे, मैं बात कर रहा हूँ लिंकिंग बेयर एक्ट की, यस लिंकिंग बेयर एक्ट विल बी देयर, और ये जो फॉर्मेट है ना आपको लिंकिंग बेयर एक्ट इस एंगल से अवेलेबल कराने वाला हूँ, ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आप लिंकिंग लॉस अकेडमी में जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं ना, और इसको बढ़िया तरीके से डील एजू कर सके। इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको फटाफट जो है कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले मैं नंबर लगा रहा हूं भारतीय न्याय संहिता का, यानी कि BNS, जिसको हम लोग प्यार से कहा करते थे, क्या कहा करते थे, IPC। अगर आप एडवोकेट साहब हो ना तो और अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आपके केस में अब आपको नए नए सेक्शन जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब एक खुशखबरी आपको और बताऊं मैं, यार पुराने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जो IPC CRPC वगैरह से जुड़े हुए थे, कितना याद रखना पड़ता था। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 बताओ कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। सेक्शन 303 IPC को कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने असंवैधानिक डिक्लेयर किया था। एडल्ट्री के मामले में कौन सा जजमेंट है, 377 के मामले में कौन सा जजमेंट, FIR को मैंडेटरी करने वाला कौन सा जजमेंट है, 0 FIR के बारे में कौन सा जजमेंट है, पुलिस कस्टडी के बारे में कौन सा जजमेंट है। हे प्रभु परमात्मा परमानंद, क्या क्या पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नया परिवर्तन आया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लाया है। चलो भाई सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। देखो ऐसा है, अगर भारतीय न्याय संहिता की यहाँ पर बात की जाए तो आपके भारतीय न्याय संहिता के अंदर सबसे पहले तो इन्होंने कुछ ऐसे ऑफेंसेस ऐड किए हैं जो बहुत टाइम से ऐड होने चाहिए थे, उनको इन्होंने ऐड है जो कर रखा है। जैसे उदाहरण के लिए आपकी मॉब लिंचिंग, भीड़ को गुस्सा आया, भीड़ ने दे दनादन सारा मामला फिनिश कर डाला, मार डाला सामने वाले व्यक्ति को, या बहुत ही गंभीर चोट पहुंचा दिया, बताओ क्या करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे पर्सपेक्टिव के अंदर मॉब लिंचिंग को कवर कर लिया गया है आपके इस वर्तमान कानून के तहत। देखो अगर आप किसी नए कानून को पढ़ते हो ना, सबसे पहले उसके इंडेक्सेस पर पूरा फोकस करो, क्योंकि उसकी इंडेक्स जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली काफी हद तक सारा काम है जो क्या कर लेती है, आसान कर लेती है। इंडेक्स पे फोकस करने के बाद में आपका जो दूसरा टारगेट है जो होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जो मेन हाईलाइटेड टर्म्स है उनके ऊपर पूरा दिमाग है जो लगाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस वाला मामला था, खत्म कर दिया गया। एडल्ट्री जो ऑफेंस था 497, वैसे सुप्रीम कोर्ट उसको ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ कर चुका था, रीड डाउन कर चुका था, तो यहां पर भी उन्होंने उसको एडल्ट्री वगैरह के ऑफेंस को खत्म कर दिया। सिडिशन का जो अपराध था, यानी कि राजद्रोह, वैसे आपको बताना चाहता हूं राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर होता है। राजद्रोह यानी कि राज बोले तो सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, यानी कि अगर आप सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हो तो अब वो अपराध नहीं रहेगा, है ना। लेकिन देशद्रोह अभी भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन्होंने टेररिज्म की एक्ट को बकायदा आईपीसी में पनिशेबल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादी गतिविधियों का जो अपराध है वो भी यहां पर क्या होगा, पनिशेबल है जो होगा। तो अब आपके सामने सिडिशन गया, एडल्ट्री गई, 377 गया, साथ ही साथ में आपके नए ऑफेंसेस आए जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी क्राइम अगर किया जाए तो उसको पनिशेबल है जो कर दिया गया। मॉब लिंचिंग को एक तरीके से पनिशेबल है जो कर दिया गया। इतना ही नहीं, चेन स्नैचिंग, पहले हम लोग क्या करते थे, चेन स्नैचिंग को थेफ्ट वगैरह से कनेक्ट करते थे, तो अब अगर चेन स्नैचिंग हुई है तो इसको एक नया अपराध में लिया गया। और सबसे मजेदार बात आपको बताऊं मैं, आईपीसी के अंदर जैसे कि मान लीजिए कि आपका कॉइन और गवर्नमेंट स्टाम्प का अपराध था, तो हम जब भी पढ़ते थे हम क्या कहते थे कि यार कॉइन की जो काउंटरफिटिंग है, गवर्नमेंट स्टाम्प की है, करेंसी नोट की है, प्रॉमिसरी नोट, आपके बैंक नोट्स की है, वो सारा एक जगह पे होना चाहिए। इन्होंने एक जगह पे कर दिया, इन्होंने एक जगह कर दिया, और चैप्टर 12 को जितने रिलेवेंट प्रोविजन थे सिर्फ वही तक सीमित है जो रखा है, और बाकी सारी चीजों को हटा दिया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन्होंने चैप्टर 12 के अंदर जो है, जो पहले हुआ करता चैप्टर 12, उसको एक जगह पर लेकर जो फालतू जितनी भी बातें थी ना वो सारी हटा दी, और टू द पॉइंट जो है चीजों को लेकर आ गए। इट्स अ गुड थिंग। और भी आपको कई सारी बातें बताता हूं मैं, जैसे कि महिलाओं और बाल बच्चों का जो अपराध होता था, हम लोग कई बार लिंकिंग करते थे उसके, पता नहीं मन ये कहता है कि शायद मन की लिंकिंग को कानून पेश करने वालों ने सुन लिया होगा, ऐसा मेरी विडंबना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिंकिंग को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। हम लोग पहले पढ़ते तो ये देखते थे कि यार महिलाओं के अपराधों की लिंकिंग कर दी जाए, सारे अपराध को एक जगह पर रख दी जाए, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को उठा के एक जगह पर रख दी जाए। इन्होंने कर दिया, इन्होंने चैप्टर 5 कर दिया। इन्होंने का मतलब हमारे देश की संसद की बात है जो कर रहा हूं, ठीक है। क्या होता है कि भारतीय नारी बोलती कि इन्होंने जो है मुझे गिफ्ट दिया था, तो यहाँ पर वो इन्होंने नहीं है, यहाँ पर इन्होंने का मतलब भारत सरकार यानी कि हमारे संसद के जो आदरणीय मेंबर्स हैं उनकी बात छोड़ रही है। तो क्या हुआ कि महिलाओं और बालकों के सारे अपराधों को उठा के एक कैटेगरी में रख दिया गया। That's an interesting thing. इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके चैप्टर आपके जो 17 और 18 है उसको भी टू द पॉइंट कर दिया गया। अब मैं आपको मजेदार बात बताऊं, यू विल सरप्राइज टू नो, आपको पता है चैप्टर 17 जो प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस थे पहले कहां से कहां तक थे, 378 से स्टार्ट होता था 462 तक जाता था। तकरीबन वहां पे अप्रोक्सली 90 प्लस है जो सेक्शन हुआ करते थे, बराबर। अब 90 प्लस सेक्शन को बिल्कुल 1/3 कर दिया गया है, प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस को 1/3 के अंदर कर दिया।
अब क्या इसको आप सिर्फ सेक्शन नंबरिंग चेंज करना बोलोगे? नहीं, वन थर्ड मतलब जैसे उदाहरण के लिए आपको याद है हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वगैरह, तो इन सब की जो अलग अलग सिक्स सेक्शंस थे उनको टू सेक्शन के अंदर कन्फाइन कर दिया। और हाँ ये बात जरूर है कि अलग अलग सेक्शन को वापस जो है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के क्लॉज में डाला गया ताकि रिलेवेंसी का एस्पेक्ट हमारे सामने आए। मैं वन बाय वन बात करूंगा, अभी मैं आईपीसी के बीएनएस के सफर की शॉर्टकट बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपके एविडेंस पर आऊंगा और फिर मैं आपके सीआरपीसी पर भी आऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने चैप्टर 17 को रिड्यूस है जो कर दिया, फॉर्जरी के मामलों को भी क्या कर दिया गया, कन्फाइन है जो कर दिया गया। एक तरीके से मैं आपको अगर शॉर्टकट में कहूँ ना, तो जो पब्लिक रिलेटेड ऑफेंस थे वो लगभग लगभग आप कह सकते हो कि उसमें सेक्शन नंबरिंग का मामला चेंज हुआ होगा। पब्लिक रिलेटेड ऑफेंस यानी कि आपके कहीं कहीं चैप्टर नंबर 6 से लेकर 16 तक जो पहले हुआ करते थे वो 15 तक जो हुआ करते थे, है ना। अब यहाँ पर बाकी के मामलों को डेफिनेटली चेंज किया गया है। चैप्टर 16 बॉडी वाले ऑफेंसेस को और थोड़ा सा इसमें वाइड भी किया गया, कुछ नई चीजों को एड ऑन वगैरह भी कर रखा है ना। पनिशमेंट के क्राइटेरिया को, अब आप पनिशमेंट को देख लो, पनिशमेंट के अंदर कम्युनिटी सर्विस यानी कि अब आपसे है ना अस्पताल की साफ सफाई करवाई जाती है अगर अपराध करते हुए पाए गए तो। आप बोलेंगे भाओ जाओ मरीज के जितने भी बेड है सबकी चद्दर है धो धो के अच्छे से एकदम क्लीन करके आयरन मार के लगा, क्या हो कम्युनिटी सर्विस है ना। इसको भी इन्होंने क्या कर रखा है, इंक्लूड है जो कर रखा है, जो मुझे लगता है कि अपने आप में ठीक भी था। शायद आपने भी सुना था पहले कई बार कि कुछ जज साहब ऐसी सजा देते थे, कुछ जज साहब मजिस्ट्रेट साहब ऐसी सजा दे देते थे तो कानून के रखवाले यानी कि बुद्धिमान और विधि विद्यता ये बात की शिकायत करते थे कि भाई तुम ये सजा कैसे दे सकते हो। तो अब वो जज साहब और मजिस्ट्रेट बोलेगा कि अपुन ये सजा दे सकता है, क्यों? क्योंकि कम्युनिटी सर्विस के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे अपुन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू डिग्निटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा रुको, जा कहाँ रहे हो? आपको पता है जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 से स्टार्ट होता था, 52A तक जाता था। अब जनरल एक्सप्लेनेशन के फंडे वंडे हटा दिए, सीधा सेक्शन 2 निकाल दिया, डेफिनेशन जैसा कि बाकी सारे कानून में होता है ना वैसा वैसा यहाँ पर भी कर दिया। सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए बी सी डी इस तरीके से डाल दिए गए और जितना भी अलग अलग सेगमेंट था उसको सेक्शन 2 में रखा, और सेक्शन 2 में ऐसा नहीं कि उठा के सीधा रख लिया, सिस्टमेटिक तरीके से उसको अल्फाबेटिक भी कर दिया। मतलब जैसे पहले गुड फेथ, अब जी आपके 52 में आता था, फ्रॉडलेंटली एफ आपके 25 में आता था, अब आपको एकदम सिस्टमेटिक मिलेगा अल्फाबेटिकली, ए बी सी डी ई एम जी एच ए जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, प्रॉपर तरीके से वो चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और पनिशमेंट अब पहले 53 से लेकर कहां तक था, 75 था, इन्होंने उसको 10 सेक्शन में खत्म कर दिया। मतलब सीधी सी बात है जो रिलेवेंट चीज है अब आपको घूमना नहीं पड़ेगा, अगर मगर डगर नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह पे चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए ओवरऑल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इंडियन पिनल कोड भैया सिर्फ सेक्शन नंबरिंग का खेल नहीं है, पूरी स्टडी करने के बाद आपको बता पा रहा हूं मैं ये, और इसमें भी अभी तक बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने शायद मैं नहीं रख पाया हूँ अपेरेंटली मोटा मोटी रूप से। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे बीच में कौन सा है, दैट इज द बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमें लगता है कि यार पहले 167 सेक्शन हुआ करते थे चैप्टर 11 के अंदर, इन्होंने क्या किया अब जो है चैप्टर 11 की जगह 12 कर दिए और सेक्शन 167 की जगह 170 कर दिए। क्या हुआ होगा कि जो नए नए सेक्शन इंसर्ट किए गए, देखो ये बात होता है जो नए सेक्शन इंसर्ट हो रखे थे ना, सपोज करो 113A, 113A, 113B, 113B वगैरह, या 45A, 47A, 73A, उनको तो एक नया सेक्शन नंबर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या था, पहले हम सीरीज को तोड़ तो सकते नहीं थे, तो अगर आपको 45 के बाद में कोई सेक्शन डालना है तो आप उसको 45A कहते थे, लेकिन अब चूंकि सारी की सारी नंबरिंग वापिस हो रही है तो हमने उसको नया नंबर। और इसमें कुछ गलत नहीं है जी, ठीक है, बिल्कुल सही जा अपनी अपनी जगह पर। तो यहाँ पे क्या है कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया और 170 तकरीबन सेक्शन इसमें आ गए, तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। लेट मी टेल यू क्या क्या हुआ है। देखो आप लोग कन्फेशन पढ़ा करते थे, कन्फेशन कन्फेशन आपके पहले सेक्शन 24 से 30 तक आता था। अब उस कन्फेशन के अंदर जैसे कि मान लो सेक्शन 24, 28 और 29, इन तीनों का एक ग्रुपिंग होता था। जैसे 24 क्या कहता है कि भाई कोई भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है तो कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होगी। 28 कहता था कि अगर इन्फ्लुएंस को आपने रिमूव कर दिया है तो फिर कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगी। 29 कहता था कि भाई प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वगैरह के कारण कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होगी। अब इन्होंने तीनों को उठाया और एक सेक्शन में डाल दिया, यानी कि एक सिंगल सेक्शन में ये वाली बात है जो आपकी कवर होगी। नंबर टू, पुलिस कस्टडी वाली कन्फेशन 25, 26 और उसका एक्सेप्शन 27, इन तीनों को उठा के एक जगह पे एक सिंगल सेक्शन में कवर कर दिया गया। तो ये तो इट्स अ गुड थिंग, और वाकई में एक जगह पे होना चाहिए था। 25 और 26 को अलग अलग रखने का कोई सेंस ही नहीं था।
देखो अंग्रेजों के जमानों में अंग्रेजों ने क्या किया, अपने वाले कानून को उठा के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि उनको अपना वर्चस्व बना के रखना था। अब वो चीजें हट गई। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इंडियन एविडेंस, ये जो बात कह रहा हूँ ना, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, यकीन नहीं हो तो आईने के सामने बैठ जाओ। आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले इंग्लैंड, क्वीन, आपके इंग्लैंड की पार्लियामेंट, ये वो विदेशी जितने भी टर्म्स हुआ करते थे, सबको इन्होंने पकड़ पकड़ के मॉस्किटो की तरह बाहर फेंक दिया। मतलब अब आपको कहीं पर भी इंग्लैंड का ये कानून, इंग्लैंड का वो कानून, क्वीन का ये थान, क्वीन का वो थान, वगैरह वगैरह, वो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और वाकई में यार ये चीज तो बड़ी मन की इच्छा थी कि ऐसा हो, और हो गया है ना, सब कुछ हटा दिया। अंग्रेजों से जुड़ी हुई एक भी चीज उन्होंने पेंडिंग नहीं रखी। कई बार होता है ना कि वो छोड़ के चली जाती है, तो तुम छोड़ के चली गई हो तो तुम्हारी एक एक याद को मैं क्या कर दूंगा, खुद के दिमाग से बाहर निकाल दूंगा। तो वैसा का वैसा उन्होंने कर दिया। और खैर अंग्रेज हमको छोड़ के नहीं गए थे, हम उनको छोड़ के आए थे, भाई जाओ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। नाउ कम अगेन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी कई मजेदार बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपके इस नए कानून के तहत कवर है, जो की गई है। जैसे उदाहरण के लिए, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बड़ा ही इजी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट ही है, ये डॉक्यूमेंट ही है, और आपके विटनेस के बयान जो रिकॉर्ड होने हैं। अब विटनेस को बेचारे को कोर्ट तक आने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कई बार है ना, कोई भी गवाह गवाह क्यों नहीं बनता है? इस लाइन में बड़ा दर्द है। एक विटनेस विटनेस क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कोर्ट के चक्कर काटने वाटने से परेशान हो जाता है। नया सिस्टम ई कम्युनिकेशन, अब विटनेस के बयानों को हम ई कम्युनिकेशन के माध्यम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। हाँ थोड़ा सा लूप होल भी है कि भाई विटनेस को अगर ई कम्युनिकेशन कराओगे तो हो सकता है जब विटनेस ई कम्युनिकेशन दे रहा हो तो सामने कोई इस तरीके से शब्दों को लिख कर बैठा हो कि अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका भी इलाज निकालेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें क्या दिक्कत है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कैमरा बड़ा लगाएंगे, तुम्हारे आसपास कोई दिखना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अब ई कम्युनिकेशन को अच्छी प्रिविलेज है जो दे रखी है, और ये अपने आप में एक वाकई में आई मस्ट से इट्स गुड थिंग। ऑरल एविडेंस के क्राइटेरिया को बढ़ा दिया, एक्सपांड है जो कर दिया। अब आपके ऑरल एविडेंस के केस में नई नई चीजें भी आपके सामने है जो आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखी है, मेहनत की है, दिल से की है, सच बता रहा हूँ। रात को 3 बजे तक, 3-4 बजे तक जग के यही मामला था कि कैसा इजी टू इजी कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रख सकूं। ऑरल एविडेंस को अब इलेक्ट्रॉनिकली देने की परमिशन दे दी गई, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस का जो क्राइटेरिया था, अब उसमें ऑरल एडमिशन, रिटन एडमिशन को भी कंसिडर कर दिया गया। अब उसको भी एक तरीके से इसमें काउंट किया जा सकता है। और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, आपको पता है कई बार क्या, विटनेस अपराध करने के बाद गायब हो जाता था, एब्सकॉन्डिंग। अब सीआरपीसी के अंदर 299 एक सेक्शन आता था, वो क्या कहता था कि जब तक एब्सकॉन्डिंग बंदा नहीं आएगा तब तक आप प्रोसिक्यूशन का एविडेंस रिकॉर्ड करके रखोगे, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे बैठे रहो, वेट करो, मोरे सैया गए परदेश, जब आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि भैया अगर कोई बंदा एब्सकॉन्डिंग है, एब्सकॉन्डिंग अगर वो है तो उसकी एब्सेंस में भी ट्रायल चल सकती है। इट्स रियली गुड थिंग, वरना कई केस है ना पेंडिंग पड़े रहते लंबे लंबे समय तक, तो उसका मामला एक तरीके से यहाँ पे शॉर्ट आउट है जो हो गया। और इतना ही नहीं, अगर एब्सकॉन्डिंग बंदा है तो उसकी एब्सेंस में जो ट्रायल होगी, जैसे दो बंदे हैं, एक ने अपराध किया भाग गया, दूसरा पकड़ा गया, तो उस एब्सकॉन्डिंग बंदे की और जो बंदा पकड़ा गया, उन दोनों की ज्वाइंट ट्रायल समझी जाएगी। यानी कि एक का कन्फेशन सेक्शन 30 जो पहले हुआ करता था, उसको हम दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल में जो करेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, ये आप जब नए कानून को पढ़ रहे हो ना, तो पहले सेक्शन नंबर याद करने की गुस्ताखी मत करो। हाँ बिल्कुल सही शब्द कह रहा हूँ, गुस्ता की मत करना। पहले इसके कॉन्सेप्चुअल चीजों को देख लो कि कहाँ कहाँ पर। पहले हम चैप्टर वाइज चलेंगे, रेंज वाइज, फिर सब रेंज वाइज, और फिर सेक्शन वाइज। वैसे जो आपके ये लिंकिंग बेयर एक्ट लॉन्च होने वाला है, अगर आप थोड़ा सा सब्र धैर्य रख पाए 10 डेज 15 डेज का, तब तो डेफिनेटली आपके बीच में लिंकिंग बेयर एक्ट लाने वाला हूँ मैं। और इसके तहत मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सेक्शन को मैंडेट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। और जिनको पुराने वाले सेक्शन पता है उनको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा कुछ और बातें सुनो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिशिबिलिटी के रिगार्डिंग, बाकी बातें सेम है। हाँ आगे जैसे मान लो ये आपके प्रिजम्पशन वाला जो पार्ट हो गया, प्रिजम्पशन वाले पार्ट में भी सब गई, वो आपके इंग्लैंड इंग्लैंड सारा हटा दिया उन्होंने, बहुत अच्छा किया है ना। और फिर बाकी वो पेटेंट एम्बिगिटी, लेटेंट एम्बिगिटी, बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह है, विटनेस का एग्जामिनेशन वगैरह है, प्रिविलेज वगैरह है, वो मोटा मोटी तौर पे सिमिलर है, उसमें कुछ ज्यादा इतना अंतर अपन जो है नहीं कह सकते। लेकिन यस अब मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ, ये तो हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब बात करते हैं सीआरपीसी को लेकर। देखो सीआरपीसी के अंदर काफी कुछ हुआ है, कुछ कुछ एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए अब सीआरपीसी में क्या किया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया।
आपको पता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? मतलब किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बंदे को हम लेके जाएंगे, वो वहां पे जाके मौका मुआयना साइट पर चेक करेगा वगैरह वगैरह, है ना। कोई ब्लड निशान, कोई हेयर बाल का निशान, कोई नाखून नाखून कुछ भी ऐसा मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो देगा। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, आपको पता है एक तो ये हो गया फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाला इन्वेस्टिगेशन के दौरान। दूसरा ये कि पहले ना वॉइस सैंपल को लेने बड़ी परेशानी थी। अब जिसको हमने अभियुक्त ठहराया है वो अपना वॉइस सैंपल नहीं देता था। अब इन्होंने कह दिया कि भैया अब तुम स्पेसिमेन सिग्नेचर और स्पेसिमेन हैंडराइटिंग लेने के साथ साथ अगले बंदे के फिंगर इंप्रेशन ले सकते हो, और साथ साथ उसका वॉइस सैंपल भी ले सकते हो। ये उन्होंने अलाउ कर दिया। अच्छा, एक मजेदार बात और सुन लो। आपको शायद याद होगा कि अगर कोई अपराधी अगर आधी से ज्यादा सजा कोर्ट प्रोसीडिंग में एज एन अंडर ट्रायल ऑलरेडी काट देता है तो क्या होता है, फिर उसको हम एक तरीके से डिफॉल्ट बेल देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पे क्या रखा है कि ऐसे केस में अगर मल्टीपल चार्जेज है या मल्टीपल ऑफेंस के लिए वो जो लायबल हो रहा है तो उस केस में उसको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हैंच कब, हथकड़िया, हथकड़ियों को रिगार्डिंग आपको जानकारी होगी कि हथकड़ियों को लेकर जो है एक बार कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई आप इस तरीके से जो है हैंच कब वगैरह नहीं बांधेंगे। लेकिन अब कहा गया है कि कुछ ऐसे ऑफेंस जो सीरियस नेचर के हैं, रेप के मामले हो गए या फिर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के मामले हो गए, तो वहां पर बकायदा हथकड़ियां बांधी जा सकती है। इतना ही नहीं, पुलिस कस्टडी को लेकर इन्होंने एक और बात कही है। पहले क्या था, फर्स्ट 15 डेज का मामला था। अब इन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट 15 डेज टुकड़ों टुकड़ों में भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, शुरुआत के 15 दिन के अंदर ही आपकी पीसी हो सकती है। अब इन्होंने कहा कि शुरुआत के 40 दिन या 60 डेज। अब 40 दिन मतलब 60 दिन वाले मामले में, यहाँ पे थोड़ा सा इनको क्लेरिफिकेशन अभी और देना चाहिए था जो इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन ये कहे कि अब पुलिस कस्टडी टुकड़ों में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को यहाँ पर बेनिफिट ये मिला है कि आपको पुलिस कस्टडी अगर आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हो तो ज्यादा आपको कोर्ट को सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब पुलिस एज अ राइट पीसी मांग सकती है कहीं ना कहीं। यस, अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे क्लेरिफिकेशन थोड़ा होना चाहिए, और जो कि कंपेरेटिवली कम दिया गया है लेकिन होगा। अब जहां पे क्लेरिफिकेशन नहीं है वहां पे फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट आएगा पिक्चर के अंदर। तो इस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन का मामला हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो पता ना, भूल गया मैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि शूट एट साइट, मेट्रोपॉलिटन वर्ड अब आपको नए वाले बीएनएसएस में दिखेगा ही नहीं। यानी कि हमारी क्रिमिनल कोर्ट की लिस्ट में, क्रिमिनल कोर्ट की लिस्ट में अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपको नहीं दिखेगा। खत्म। अब जो है हमारे केस में क्या होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपके सामने आएंगे और उसी एंगल से आपके सेशन कोर्ट वगैरह जो वो अपनी जगह पर होंगे होंगे। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जुड़े हुए सारी बातें हट गई। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपके सेक्शन 355 जजमेंट के अंदर आता था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जजमेंट का क्या होगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होगा, सब हट चुका है। अब उसको उन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया, हटा दिया। तो इतनी सारी बातें जो है, ये तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने आपके सामने जो बातें बताई है वो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। अब आप अपने इस अपने शरीर के इस हिस्से पर थोड़ा सा प्रेशर डालो और सोचो, क्या वाकई में अभी भी आपको ये लग रहा है सिर्फ सेक्शन की नंबरिंग चेंज हुई है? ऐसा नहीं है। प्ली बार्गेनिंग के मामले में टाइम पीरियड डाल दिया कि भाई आपको इतने टाइम पीरियड, मतलब चार्ज फ्रेम के 30 डेज के अंदर चार्ज आपको प्ली बार्गेनिंग करनी है तो करो, वरना एक्यूज तो पता है क्या, इतना बदमाश लास्ट तक प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाता। जब लगा कि केस हारने वाला है, जब लगा कि भाई इसको सजा मिल जाएगी, तब वो क्या करता, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाता। मतलब कानून का मजाक उड़ाया जाता था, उसको एक तरीके से कम कर दिया गया। तो ये सारी बातें ऑब्जर्व करने के बाद शायद आप इस बात को समझ पाएंगे कि इतना भी हल्के में मत लेना इन चीजों को, जरूरत थी, आवश्यकता थी, नए कानून आए। बाकी मैं ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में भी करूंगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके 25 दिसंबर से जो ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना, ये वाली प्लानिंग आपके यानी कि फतेह बैच जो है वो आपके बकायदा इन नए कानून को कवर है जो करेगा। ठीक, यहाँ पर आपके बीच में छोटी सी जानकारी आप और ले लीजिए, और वो जानकारी ये है कि कहीं ना कहीं आपको अभी अन अकेडमी की तरफ से जो ये ऑफर मिल रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मस्त बढ़िया वाला ईयर एंड का ऑफर है। मतलब क्रिसमस से अनलॉक 20 लगाओ, लिंकिंग लगाओगे तो सीधी सी बात है मेरी तरफ से आपको एडिशनल चीजें प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, और इसमें लिंकिंग डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर लिंकिंग चार्ट्स भी हो सकता है। अच्छा, लिंकिंग चार्ट्स भी आपके नए तरीके से आएगा। दो तरह का सेगमेंट होता है यहाँ पे, प्लस और आपके एक तरीके से आइकॉनिक वाला, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट।
खैर चलो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ये तो देखो भाई हमें जुडिशरी के कोर्सेज में इन सबको कराना है और मैं उसको इस एंगल से कराऊंगा। मेरा ये विश्वास है कि 45 दिन, 45 दिन एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसके दौरान इन नए कानूनों को मैं कैंडिडेट्स को माइंड के अंदर सेट करवा दूंगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन यस बढ़िया से करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे। और इन फाइलों पे जो मेहनत की है ना, वो सारी की सारी मेहनत जो है आप तक पहुंचाऊंगा। इट्स माय वर्डिंग टू यू, डायग्रामेटिक नोट्स बनाऊंगा और घबराना मत, जो पुराना पढ़ा है वो हमेशा काम आएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच अगेन। अगर आप इस फतेह बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा सारी स्टेट जुडिशरी के लिए, यस यू मे ज्वाइन इट विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पे काउंसलिंग भी होगी आपकी, डाउट सेशन भी होगा। चलिए इस तरह का सेशन, ये मैंने आज पहली बार एक नया तरीका अप्लाई किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये अप्रोच आपको किस तरीके से लगती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।